Hello friends, this is चिंता जोशी. Welcome to my YouTube channel CRJ Blog. If you like my videos, please share, subscribe and click the like button. अभी निकल रहे हैं कि नागपुर सिटी की जो hangout places है youngsters के लिए, वहाँ पे जाके थोड़ा information बताएंगे और visit करेंगे और enjoy करेंगे. So देखते हैं अभी. सोनेगांव लेक पे आ चुके हैं. यहाँ पे दोपहर का टाइम है, ज्यादातर यहाँ पे यंगस्टर्स आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं. आज संडे है तो भीड़ कम है. यहाँ पे बहुत साइलेंस है एज कम्पेयर टू अदर लेक, बिकॉज ये थोड़ा अंदर साइड में आता है और ये एक्चुअली ये एयरपोर्ट से बहुत पास. मैनमेड तरीके से किया हुआ है. समर जब आता है तो ये पूरा यहाँ का जो पानी है पूरा सूख जाता है और यहाँ पे पता है यहाँ पे कुछ नहीं रहता, लेकिन जब जैसी रेनी सीजन आता है यहाँ पे पूरा पानी भर जाता, पूरा एकदम अच्छा व्यू दिखता है. तो अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पेंटर यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान चला रहा है. यहाँ हर एक वॉल पे अच्छे अच्छे पेंटिंग्स बनाए हुए हैं. अभी यहाँ पे फिशिंग वगैरह बहुत अच्छे तरीके से होते हैं. सोनेगांव लेक है वो वर्धा रोड को टच होता है. जस्ट आप लेफ्ट लोगे वर्धा रोड से तो आपको सोनेगांव लेक के तरफ आने का रास्ता मिल जाएगा. अंबाजरी लेक पे पहुंच चुके हैं. अंबाजरी लेक ये बहुत बड़ा लेक है एज कम्पेयर सोनेगांव लेक. और एक्चुअली ये जो लेक है वो साउथ नागपुर में सिचुएटेड है. और ये सिर्फ लेक, मैंने ये लेक के साथ साथ उसके राइट साइड में अंबाजरी गार्डन और लेफ्ट साइड में स्वामी विवेकानंदन का टेम्पल है. आप देख सकते हैं ये जो मैं जहाँ से मैं चल रहा हूँ वो एक्चुअली यहाँ का पाथवे है. जो यहाँ ये हम आते हैं और ये जो पाथवे बहुत अच्छा है. यहाँ पे लोग आके वॉक करते हैं, मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक में भी यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं. एक है वो भोसले कालीन लेक है. वाटर सप्लाई होता था नागपुर सिटी में, बट पोल्यूशन की वजह से यहाँ पे ना जो वाटर सप्लाई वो बंद कर दिया. बट यहाँ का जो वाटर है यूटिलाइज करते हैं. यहाँ पे हिन्ना MIDC है बाजू में, वो कंपनीज के लिए यूज होता है. नाग रिवर है वो एक्चुअली ये अंबाजरी लेक का ही ओवरफ्लो है. यहाँ पे ना सबसे ज्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन तब होता है जब यहाँ पे रेनी सीजन होता है, क्योंकि जो स्वामी विवेकानंदन टेंपल है वहाँ पे अंबाजरी लेक का ओवरफ्लो होता है. तो वहाँ से बहुत ब्यूटीफुल व्यू दिखता है. यहाँ पे अंबाजरी गार्डन के पास में आ चुका हूँ, लेकिन मैं अंदर से इसको कवर नहीं कर रहा क्योंकि टाइम हो जाएगा. लेकिन आके आप विजिट कर सकते हैं, अच्छा गार्डन है. ये मेरे बैक साइड में पार्किंग एरिया है और इस साइड में अंबाजरी गार्डन है. आपको जो फ्रंट में जो इमारत दिख रहा है एक्चुअली उसका मैं नाइट व्यू आपको इस वीडियो में दिखा दूंगा. प्लेसेस फॉर द यंगस्टर्स है यहाँ पे. आपको ज्यादातर लोग आते हैं क्योंकि यहाँ पे शाम के वक्त बहुत अच्छा माहौल रहता है, शांत माहौल. इधर में पूरा बैक साइड में पूरा फुटाला लेक है. फुटाला लेक के पास पे चल रहा हूँ. यहाँ पे ज्यादातर यंगस्टर्स ही आते हैं क्योंकि इतने हैंग आउट मारने के लिए आते हैं, तो यंगस्टर्स ही ज्यादा मिलेंगे आप. यंगस्टर्स के
जो सेलिब्रेशन होते हैं जैसे न्यू ईयर हो गया, वैलेंटाइन डे हो गया, फ्रेंडशिप डे हो गया, यहाँ पे सेलिब्रेट होता है क्योंकि ये सबसे विजिटेड प्लेसेस में आता है नागपुर सिटी में। तो मैं यहाँ से भी चल रहा हूँ जो फुटाला का पूरा रोड है। एक्चुअली ये इस साइड में पूरा पहले डोमिनोज, पिज्जा हट, पनीनोज सब हुआ करता था, लेकिन एनएमसी ने यहाँ से सब हटवा दिया क्योंकि एनएमसी खुद यहाँ पे डेवलप करने वाली है। ये जो पूरे बैक साइड में जो थे वो सब एनएमसी ने हटवा दिए, लेकिन अच्छी प्लेस है विजिट। फुटाला लेक पूरे 60 एकड़ में फैला हुआ है और ये लिखे वो एनआईटी डेवलप कर रही है और मोस्ट ऑफ द यहाँ गणपति विसर्जन और दुर्गा पूजा विसर्जन होते हैं तो यही लेक में होती थी। ये इसको परमिशन मिली कि गणपति और दुर्गा पूजा विसर्जन के लिए विसर्जन किया जा सके। शुक्रवार लेक पे पहुंच चुके हैं। शुक्र वैसे एक्चुअली दो नाम, तो जुम्मा लेक और गांधी सागर लेक, इसका दो नाम है। ये लेक के अपोजिट में ही रमन साइंस केंद्र है, उसमें जाके विजिट करना। एक्चुअली मैं वहाँ जाऊँगा नहीं, लेकिन तो भी देख लेना, वहाँ जाके अच्छा है विजिट। और ये लेक भी एक अच्छा हैंगआउट प्लेस यंगस्टर्स के लिए, यहाँ पे बोटिंग भी है। ये जो शुक्रवार लेक है उसके एकदम सेंटर एरिया में ही एक आइलैंड है, वो एक्चुअली उधर आइलैंड है, मैं वहाँ जाके आपको दिखा दूंगा। अभी जो मैं बोल रहा था आपको कि उधर से जो शुक्रवार लेक से जो उधर थे हम अभी इधर आ चुके हैं। यहाँ से मैं बोल रहा था कि वो आइलैंड से जो गार्डन दिखता है वो एक्चुअली मैं यहाँ पहुँच गया। ये देखो मैं बैक साइड में आइलैंड है, छोटा सा एक गार्डन है, शुक्रवार लेक के सेंटर एरिया में आता है। और यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं मेरे पीछे में एक बड़ी सी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, चारों तरफ अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो अभी अंदर जाके थोड़ा सा देख लेते हैं। आज का व्लॉग अभी खत्म होता है। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होंगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। जब भी सब्सक्राइब करोगे चैनल को तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना क्योंकि आने वाले वीडियोस और व्लॉग का नोटिफिकेशन आपको मिल। एंड डोंट ड्रीम योर लाइफ, लिव अ ड्रीम। सो आज के लिए बाय।